ने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी छोटे ऑपरेशन करने की अनुमति दे दी है। संबंध में बिल पारित कर दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बिल का विरोध किया है। रायगढ़ में आईएमए के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे आईएमए के सदस्यों ने कहा कि आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टरों को भी अब एलोपैथी के लगभग 65 प्रकार के ऑपरेशन करने की अनुमति दी गई है, जो व्यवहारिक रूप से गलत है और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। एलोपैथी डॉक्टरों का कहना है कि तीनों पैथी को मिलाकर सरकार से मिक्सोपैथी बना दिया है। एलोपैथी में 5.5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद 3 साल पीजी और 3 साल सुपर स्पेशलिटी करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें ऑपरेशन की अनुमति होती है। सरकार का यह निर्णय गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। ये तो पब्लिक हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप जैसे कि जानते हैं ऑलरेडी हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही ज्यादा तगड़ा नहीं है, तो हमारे एमबीबीएस के छात्रों में सीट बढ़ाने की जगह, मतलब एमबीबीएस की क्वालिटी बढ़ाने की जगह या फिर एमबीबीएस की सीट बढ़ाने की जगह अगर आप ये कहेंगे कि बाकी हम लोग पैथीज को इंक्लूड कर ले मॉडर्न मेडिसिन में, तो ये तो उस पैथी का भी रिस्पेक्ट नहीं करना हुआ, डिसरिस्पेक्ट हुआ, और साथ ही साथ दो पैथीज को मिलाना हुआ, जो कि सरासर गलत है। पब्लिक की हेल्थ के साथ खेला जा रहा है। रायपुर